हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शीट मेटल और फाइनली यहाँ पर शीट मेटल ओपन करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी सॉलिड को शीट मेटल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले स्केच करते हैं। ओके, एक मैंने प्लेन लिया, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं, सेंटर रेक्टेंगल। यहाँ से इसे फिनिश करते हैं और इसे एक्सट्रूड करते हैं। तो एक्सट्रूड का ऑप्शन यहाँ पर है, इसे एक्सट्रूड करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यह एक्सट्रूड हो चुका है। तो इसे थिन सॉलिड बनाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर सॉलिड है तो शीट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको शीट में कन्वर्ट हो जाता है, सरफेस शीट में। यहाँ पर सॉलिड ही इसे रहने देंगे और सिंपली यहाँ से ओके करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सॉलिड मटेरियल्स है और यहाँ पे इसे मुझे सेल करना है। ओके, तो यहाँ पर कमांड में सेल टाइप करेंगे, यहाँ पर आपको सेल आ जाता है। इसे क्लिक करेंगे, सेल को स्टार्ट मॉडलिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपको सेल फीचर यहाँ से मिल जाता है। ओके, इसे आप सेल कर सकते हैं इस तरह से, जितना एमएम का चाहिए उतना एमएम के साथ यहाँ पर सेल करेंगे, ओके करेंगे। ये सेल में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से मुझे शीट मेटल में जाना है, तो यहाँ से फिर से शीट मेटल लिखेंगे। ये रहा शीट मेटल, इसका शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम के थ्रू भी यहाँ से जा सकते थे और यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मैंने इसे क्लोज किया तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है शीट मेटल, इसे क्लिक करेंगे, शीट मेटल में हम पहुंच चुके हैं। ओके, तो इस तरह से शीट मेटल में आप आ सकते हैं और यहाँ से मेरा सेल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ये अभी भी सॉलिड है। सॉलिड किस लिए है, इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसे फ्लैट सॉलिड यानी इसे फ्लैट पैटर्न बनाना है तो इसे अगर हम फेस सिलेक्ट करते हैं, कोई फेस सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये अभी काम नहीं कर रहा है कोई भी टूल्स, ये भी सॉलिड में है। ओके, डिम्पल वगैरह कुछ भी यूज करेंगे तो ये सही से यूज नहीं होगा इस शीट मेटल पर, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये शीट नहीं है, अभी सॉलिड में है। तो इसके लिए यहाँ पर आप कन्वर्ट देखेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे एज रिप, एज रिप के थ्रू आप ये चारों का यहाँ पर एज सबसे पहले क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो चारों कॉर्नर को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कॉर्नर यहाँ से क्रिएट हो गया है। इसके बाद फिर से कन्वर्ट में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू शीट मेटल, इसे क्लिक करेंगे, किसी भी एक फेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। ये शीट मेटल में कन्वर्ट हो चुका है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बेंड रेडियस भी यहाँ पर ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया है, मीन्स ये यहाँ पर देख सकते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और फ्लैट पैटर्न में जाके फ्लैट सॉलिड को अगर हम यूज करते हैं तो ये देखिए यहाँ से फेस सिलेक्ट हो रहा है इस तरह से, इसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ये फ्लैट हो गया, मीन्स ये शीट में कन्वर्ट हो गया। अगर शीट मेटल नहीं होता तो ये इस तरह से इसे अनफोल्ड नहीं किया जा सकता था। तो कंट्रोल जेड से बैक चलते हैं, यहाँ पर अगर ऑप्शन देखते हैं तो फ्लैट सॉलिड है, फ्लैट पैटर्न है, ये सब के थ्रू आप इसे फ्लैट पैटर्न इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। फ्लैट सॉलिड है तो यहाँ से किसी एक फेस को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, इस तरह से ये फ्लैट हो जाता है। एक्चुअली ये फ्लैट इसलिए किया जाता है इसे सही से मेजरिंग किया जा सके कि ये कितना है इसका लेंथ है टोटल। अगर आप देखते हैं यहाँ पर मेरे पास इस तरह का सीट है, ओके, और यहाँ पर हम हेम यूज कर रहे हैं। हेम यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कई तरह का हेम है, इस टाइप का यहाँ पर हेम यूज कर रहे हैं किसी कॉर्नर पर। ये मैंने एक कॉर्नर लिया, ओके, सिंपली यहाँ से ओके करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से सीट है। ओके, तो इस तरह से मुझे फाइनली प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसका टोटल लेंथ कितना है। तो इसका टोटल लेंथ मेजर करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले फ्लैट सॉलिड में जाएंगे, तो एक फेस सेलेक्ट करेंगे, उसके रेफरेंस में ये फ्लैट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से ये एस, इस तरह से यहाँ पर हेम था, ये यहाँ से इस तरह से फ्लैट हो गया है। ओके,
और अब हम यहाँ से यहाँ तक इसको मेजरिंग इजीली कर सकते हैं। इसके लिए मुझे व्यू में जाना होगा, एनालिसिस में जाएंगे, एनालिसिस में जाके सिंपल डिस्टेंस है इसे क्लिक करेंगे और जिसका डिस्टेंस चाहिए वो यहाँ से एक पॉइंट यहाँ क्रिएट करेंगे और यहाँ, तो इसका टोटल लेंथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा 696.3599 mm है। तो इस तरह से सीट को मेजर करके हम इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं फाइनली। तो इसलिए जनरली फ्लैट पैटर्न का यूज होता है, बेंड अनबेंड सब का यूज किया जाता है। तो फाइनली ये सीट मेटल का सारा टूल्स कंप्लीट हो गया जिसके थ्रू हम सीट मेटल को क्रिएट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, फाइनली बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सीट मेटल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाय बाय।